फाइनली अभी हम लोग पहुंचे हैं मुरुड बीच पे और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। मैं मुरुड में ही पहली बार आई हूँ एक्चुअली। इससे पहले मैं यहाँ पे दो तीन बीचेस जा चुकी हूँ, यहाँ पे कभी नहीं आई। यहाँ पे पता है लाइक फोर्ट तो है, लेकिन यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े नारियल के झाड़ है ना, आई गेस यही यहाँ की स्पेशलिटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नारियल के दरख्त है और बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं एक मिनट रास्ते पे ध्यान दे दूँ वरना मैं गिर जाऊँगी, पत्थरों में से जाना था। और लाइक यहाँ पे क्राउड है आज, मैं बताती हूँ आपको। ये बहुत बड़ी बड़ी मतलब कंपाउंड है एवरी फैमिली के, लाइक वो लोग पूरा साल भर इससे सेल करते हैं कोकोनट्स एंड मैंगोज़ वगैरह। बहुत बहुत ही बड़े और ह्यूज कंपाउंड्स हैं कोकोनट ट्रीज के यहाँ पे, और वो दिख भी बहुत प्यारे रहे दूर से। हॉर्सेस अवेलेबल है, हाय हाय हाय। अरे बाबे, मुझे लगा था मुझे भाव ही नहीं देगी, पर मेरी इज्जत रख ली इसने। कुछ राइड्स तो नहीं दिख रही है यहाँ पे। हाँ हाँ, आगे है दिव्यागढ़ बीच पे। अभी तो श्रीवर्धन में भी स्टार्ट हो गया, पहले नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे भी कुछ बोट्स और ऐसे हैं पानी में जाने के लिए अवेलेबल ऑप्शंस, घोड़े हैं और वहाँ पे स्टॉल्स भी है बहुत सारे। ये घोड़ा गाड़ी और वो सादा घोड़ा, मेरे को बहुत डर लगता है घोड़ों से। सच्ची देव कितने बड़े बड़े हैं, एक आधी लात मार दिए तो मैं तो गई काम से। इनके आने से पहले मैं जाती हूँ पानी में, ये लोग जा चुके हैं पहले ही। बच्चे लोग हाय, तुम लोग नहीं दिख रहे शक्ल। वो देखो डॉगी भी बीच के मजे ले रहा है। माँ ने पहले ही वार्निंग देके भेजे हम लोग को कि प्लीज इंसानों की तरह बीच पे भीग के आना। लाइक हम लोग ने बहुत मस्ती किए थे श्रीवर्धन में, पूरा अंदर तक पानी में गए थे हम लोग स्विम करने को, तो बहुत मस्ती किए थे। मम्मा ने बोला सिर्फ जाओ, पैर थोड़ा थोड़ा पानी में चलो और आ जाओ। तो हम लोग उनकी बात का मान रखने वाले हैं, अभी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे पानी में। और वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, बिकॉज कल पूरी रात मैं नहीं सोई। थोड़ा कुछ तो ऐसा एक्साइटमेंट था कि मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मैंने बहुत सुनी थी मुरुड जंजीरे के किले के बारे में, पर कभी गई नहीं थी। पहली बार आई तो एक्साइटेड भी थी, ऊपर से जिमी ने सोने नहीं दिया। जिमी को भी कल ही मेरे साथ आके खेलना था, बहुत मस्ती किया उसने, तो इसके लिए मैं पूरी रात जागी थी और बहुत थक भी गए। तो आज हम लोग समुद्र के पानी में हल्का हल्का सा चिल वाला मज़ा लेंगे, थोड़ा सा ही भीगेंगे लाइक नॉर्मली जैसे हम लोग मुंबई में करते हैं। बट सही है, बहुत प्यारा है ये, मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ, बहुत प्यारा है। मम्मा अशु 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 का ध्यान नहीं है, ये दोनों चिंटू पिंटू। टीना दीदी बुशरा संभाल के, वो घोड़ा कितना क्यूट है।
बीच में लेट के। मुंबई के बाद फाइनली हम लोग अभी पानीपुरी पर अभी मिले। 15 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे गए थे ना, तो भाभी ने हम लोगों को बोले कि यही वाली खाना, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब कुछ घूम के हो गया है। फोर्ट भी कंप्लीट हो गया है और बीच पे भी आ गए और एक हवेली भी देख ली है और सब रिकॉर्ड भी है। बहुत ऑसम थी ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मुझे तो बहुत सही लगी थी। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ यहाँ पे है। हाँ। तो आज सब घूमने के बाद पता चला है कि क्या क्या यहाँ पे है। सो वॉट एवर इट इज, हम लोग का सब कुछ घूम के हो गया है। हम लोग ने तो बहुत इंजॉय किया पूरा दिन, तो सब कुछ हो गया अभी हम लोग का घूम के। अभी हम लोग सीधा घर वापस जाएंगे और मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से जा चुकी है, देख कभी भी मर जाएगा वो, इसलिए मैं वे बैक का शायद वीडियो ना ले पाऊँ, इसलिए मैं यहीं से वीडियो को एंड करूँ। हम लोग ने तो बहुत मस्ती किया, बहुत इंजॉय किया, काले काले हो गए धूप में घूम के और बहुत फ़न किया। एक्सप्लोर करने मिला छोटा सा कोकन का पार्ट, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत प्यारा है कोकन एक्चुअली। तो हम लोग ने तो इन्जॉय किया है, रियली होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो देख के अच्छी लगे और आप लोग भी इन्जॉय करें। तो अभी के लिए प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ये भी बताओ कि वीडियो कैसी लगी है। टिल देन बाय 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 बाय।